अगर आप प्रोफेशनल तरीके से गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, पहला तो बैंक, दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि NBFC। अब आप इन दोनों में से किसी से भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। दोनों से लोन लेने की और चुकाने की प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कुछ ज़रूरी अंतर भी हैं। आप बैंक के NBFCs में से किसे चुनते हैं ये पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन कुछ फैक्टर्स का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। गोल्ड लोन के लिए किस तरीके का गोल्ड इस्तेमाल करें। गोल्ड लोन के लिए सभी लेंडर्स गोल्ड ज्वेलरी की कोलैटरल के तौर पर खुशी खुशी ले लेते हैं, लेकिन ज्वेलरी की जगह गोल्ड कॉइन्स या बिस्किट हो तब भी क्या इतनी ही खुशी होगी? अब यहाँ लेंडर टू लेंडर पर बात आ जाती है। NBFCs सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी पर ही लोन देते हैं। बैंक्स गोल्ड ज्वेलरी पर तो गोल्ड लोन देती हैं, गोल्ड कॉइन पर भी लोन देते हैं, बशर्ते वो उसी बैंक से खरीदा गया हो और साथ ही वजन में 50 ग्राम से कम होना चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए 99.99%। इन दोनों केस में याद रहे कि आपकी गोल्ड ज्वेलरी में भले ही हीरा या रूबी जुड़ा हो, लेकिन लोन की वैल्यू सिर्फ गोल्ड पर ही मिलेगी और वजन भी सिर्फ गोल्ड का ही माना जाएगा। यानी आपकी गोल्ड ज्वेलरी भले ही 50 ग्राम की हो और उसके एक्चुअल वेट सिर्फ 20 ग्राम हो, तो आपको लोन अमाउंट सिर्फ 20 ग्राम गोल्ड पर ही तय होगा, ना कि पूरी ज्वेलरी पर जो कि 50 ग्राम की होगी। लोन अमाउंट, NBFCs आपको छोटे से छोटा गोल्ड लोन भी देते हैं, जैसे 1500 रुपये का भी गोल्ड लोन मिल जाएगा। हालांकि कुछ NBFCs कितना भी गोल्ड लोन देती हैं, इनकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। बेशक इसका मतलब ये होगा कि आप 400 ग्राम से ज़्यादा वजन की गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रख रहे हैं। वहीं बैंक्स, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो यहाँ कम से कम 10,000 से 20,000 की थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। इसके अलावा कई बैंकों की गोल्ड लोन देने की एक लिमिट भी होती है, जैसे आमतौर पर ये 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच होते हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट बैंक 1 करोड़ रुपए तक का भी गोल्ड लोन ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। बैंक्स जो हैं वो गोल्ड लोन पर कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कैपिटल यानी पैसे की कोई कमी नहीं होती, उनके पास अकाउंट होल्डर्स का भारी भरकम डिपॉजिट भी होता है। NBFCs, ये बात NBFCs पर लागू नहीं होती क्योंकि उनके पास अकाउंट होल्डर्स की डिपॉजिट का बेस नहीं होता, वो दूसरे लेंडर्स पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन इनका लोन प्रोसेस काफ़ी तेज़ होता है और दूसरे जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जो आपके लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाता है। अब बात कर लेते हैं स्कीम्स की। बैंक गोल्ड लोन को लेकर ज़्यादा स्कीम नहीं लॉन्च करते, उनके पास अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स और टेन्योर के बहुत सारे लोन प्रोडक्ट्स भी नहीं होते। वहीं NBFCs आपको मल्टीपल ऑफर्स पेश करता है। अब बात करते हैं फीस और चार्ज की। बैंक्स जो हैं वो गोल्ड लोन पर कई तरह के छोटे छोटे चार्जेस लगाते हैं, जैसे प्रोसेसिंग चार्ज, फोरक्लोजर चार्ज वगैरह वगैरह। NBFCs वहाँ पर या तो कोई चार्ज नहीं लेते हैं और अगर लेते भी हैं तो वो बहुत नॉमिनल होता है। आखिरी में टर्न अराउंड टाइम और प्रोसेस, जो NBFCs हैं उनकी प्रोसेस काफ़ी तेज़ होती है क्योंकि कम कड़े नियमों को फॉलो करती हैं, जबकि बैंक्स के साथ लोन अप्रूवल के लिए आपको बहुत लंबे पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है। अगर आपको लोन चाहिए तो आप बैंक या NBFC किसी से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप एक रेप्यूटेड लेंडर जैसे कि IIFL से अगर लोन देंगे तो आपको कई सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, साथ ही में क्विक टर्न अराउंड टाइम मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्विकली इसको शेयर कर दीजिए और इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए।